अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़हरी गाइड के मोहतरम साथियों, मुझे उम्मीद है आप खैर वाकिफ़ से होंगे। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स अर्ज़ करने लगा, मौला अली, मैं नमाज पढ़ता हूँ फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। तो आपने फरमाया, सुकून से नमाज अदा किया करो। अच्छा, आप अगर नमाज सुकून से भी अदा करेंगे फिर भी अगर जहन में बुरे ख्याल आएँ या इधर उधर जहन भटके तो आप क्या करेंगे? तरीका सुनिए। जब आप क़याम की हालत में यानी नमाज के लिए जब खड़े हो तो सजदे की जगह पर जब आप देखें तो उस वक्त ये ख्याल करें कि ज़मीन के अंदर हमें जाना है। जब रुकू करें, रुकू में जाएं तो ये ख्याल, और उस वक्त पैरों की सिमत देखें और ये ख्याल करें कि हमारी रूह पैरों से निकलेगी। और जब सजदे की हालत में जाएं तो नाक की सिमत देखें और ये ख्याल करें कि मरने के बाद सबसे पहले हमारी नाक ख़त्म होगी। और जब कायदे में यानी अत्तहियात में बैठें तो अपनी झोली को देखें और ये ख्याल करें कि दुनिया से खाली झोली हमें जाना है। और आपको अगर नमाज में जमा ही आती है तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आपकी ये नमाज अल्लाह तक पहुंचा रही है, जिसमें बीच में शैतान खलल पैदा कर रहा है। तो उस वक्त आपको पता है क्या करना है? उस वक्त आपको अपने ऊपर के होठों से यानी ऊपर के दांतों से नीचे के होठों को दाबना है इस तरह से। और रिवायत में आया है कि एक बेहतरीन बेस्ट तरीका यह है कि नमाज की हालत में अगर आपको जमा ही आती है तो उस वक्त आप ये ख्याल करें कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को जमा ही नहीं आती, वो जमा ही से पाक, फौरन आपकी जमा ही ख़त्म हो जाएगी। और वैसे रिवायतों में तो तरीका ये भी लिखा है कि जमा ही आए तो जब क़याम की हालत में हो, नियत बांध के जब खड़े होंगे तो सीधा दाहिना हाथ जो है रखेंगे मुँह पर, और बाकी रुकू में, सजदे में, कायदे में हर वक्त जो है बायां हाथ रखेंगे। तो ये तरीका, लेकिन बेस्ट तरीका यही है, अच्छा तरीका, कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को जमाई नहीं आती ये ख्याल करना। तो और बेहतरीन तरीके हैं, जो नमाज की हालत में अगर नमाज पढ़ रहे हैं और आपको ख्याल आ रहे हैं इधर उधर के, तो उससे बचने के और भी तरीके हैं, जैसे कि नमाज पढ़ो और नमाज का तर्जुमा यानी सूरत जो पढ़ो उसके तर्जुमे पर आप पूरा का पूरा फोकस रखो। और अगर आपको तर्जुमा याद नहीं है तो जो सूरतें आप पढ़ रहे हैं उस सूरतों के हर हर लफ्ज़ पर ध्यान देते चलिए। और सुनिए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ये ख्याल करो कि अल्लाह ताला को तुम देख रहे हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को तुम देख रहे हो। और फरमाते हैं अगर ये ख्याल ना कर सको तो ये ख्याल करो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। तो फिर देखिए आपकी नमाज में कैसा सुकून मिलता है और नमाज में कैसी लज्जत हासिल होती है इंशाल्लाह।